AIMIM पार्टी का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री योगी आगरा आने से पहले ले फैसला वरना बड़ा आंदोलन तय। IMIM पार्टी का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री योगी आगरा आने से पहले ले फैसला वरना बड़ा आंदोलन तय। और IMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष इदरीस का कहना है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के विधायक और संसद ने सरकार बनने के बाद कुछ नहीं किया आगरा के लिए। आगरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 अक्टूबर को आगरा आ रहे हैं। वे ताजमहल जाएंगे, ताजमहल के पश्चिमी गेट पर सफाई अभियान चलाएंगे। इससे पहले संसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मुजलिस से एतजाज मुस्लिम ने दावा खेला है, एक मांग रखते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया मुजलिस ए एतजाज मुस्लिम IMIM के अध्यक्ष इदरीस अली ने एक वीडियो जारी करते हुए आगरा की पहचान बताई। उन्होंने कहा, मेरी पहचान ताजमहल है, लाल किला है, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, एतमाद डोला, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, मलकेश्वर मंदिर, अकबरी चर्च, गुरु का ताल, जैन मंदिर है। आज मुझे मेरी पहचान छीन ली गई। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आगरा की पहचान और उसके वजूद को खत्म किया जा रहा है। और क्या कहा है इदरीस जी ने, सुनते हैं उनकी जबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह, जय जिनेंद्र। मैं आपको अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन और मेरी आइडेंटिटी है क्या। मेरी आइडेंटिटी मेरा ताजमहल है, मेरी आइडेंटिटी मेरा लाल किला है, मेरी आइडेंटिटी फतेहपुर सीकरी है, मेरी आइडेंटिटी सिकंदरा है, मेरी आइडेंटिटी एतमाद डोला है, मेरी आइडेंटिटी चीनी का रोजा है, मेरी आइडेंटिटी मेहताब बाग है, मेरी आइडेंटिटी मनकामेश्वर मंदिर है, मेरी आइडेंटिटी अकबर चर्च है, मेरी आइडेंटिटी गुरु का ताल है, मेरी आइडेंटिटी जैन मंदिर है। ये मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है। मगर आज मुझसे मेरी आइडेंटिटी और मेरी पहचान मुझसे छीन ली गई है। मेरी आइडेंटिटी और मेरी पहचान कैसे छीनी गई है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से आगरे की आइडेंटिटी और उसके वजूद को खत्म किया जा रहा है। मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान को मुझसे छीना जा रहा है। आगरा की जनता ने 9 विधायक, 2 सांसद इस यकीन और उम्मीद के साथ दिए थे कि जो पहले की सरकार हमें नहीं दे सकी, नई सरकार उनसे बेहतर देगी और अच्छा देगी। और हमारे विधायक और हमारे सांसद असेंबली और पार्लियामेंट में हमारी आवाज को बुलंद करेंगे, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हमें कुछ बेहतर देंगे। हमें उम्मीद थी, यकीन थी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मिलेगा, हाईकोर्ट मिलेगा, बैराज मिलेगा, ताज कॉरिडोर मिलेगा। मगर हमें मिलना तो बहुत दूर, हमारी आइडेंटिटी ही हमसे छीन ली गई, हमारे वजूद को ही खत्म कर दिया गया। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, उनके विधायक संगीत सोबने का ताजमहल भारतीय संस्कृति पर धब्बा है, एक ने कहा ताजमहल मंदिर है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने कहा ताजमहल एक खूबसूरत कब्रिस्तान है, यानी उन्होंने हमारे आगरे के लोगों को एक खूबसूरत कब्रिस्तान बना दिया। मगर बड़ा अफसोस और बड़ी तकलीफ मुझे जब हो रही है कि हमारे आगरे के 9 विधायक और 2 सांसद इस पर खामोश है, क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जिम्मेदारी बनती है जब आगरे के वजूद और उसके सम्मान की बात है तो उस बात को असेंबली और पार्लियामेंट में उठाए। उसके साथ देखने में आता है कि हमारे आगरे के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RLD, पीस पार्टी, सारी पार्टियों के जिला अध्यक्ष और सर अध्यक्ष और उनके संगठन के सारे लोग खामोश हैं। कोई मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद मुझसे छीनता जा रहा है, मेरे अस्तित्व को खत्म करता जा रहा है, मगर कोई भी राजनीतिक संगठन, मौजूदा विधायक और सांसद बोलने के लिए तैयार नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन बोलने के लिए तैयार नहीं है, आगरे के समाज सेवी बोलने के लिए तैयार नहीं है। दिल में दर्द हो रहा है कि मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद खत्म हो गया है।
मैं सोचता हूँ कि आगरा से बाहर जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस शहर से आया हूँ, मेरे शहर की पहचान क्या है। क्योंकि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की पर्यटन बुक लिस्ट में से ताजमहल का नाम हटा दिया है। उन्होंने कौन सी भारतीय संस्कृति किताब पढ़ी है मैं नहीं जानता, मगर मैंने जो भारतीय संस्कृति किताब पढ़ी है, क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सभी धार्मिक स्थल और सारे पर्यटन स्थल जो हमारी विरासत है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और ताजमहल हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है और ताजमहल पूरे विश्व में एक नंबर का अजूबा है, मोहब्बत की निशानी है, सुलह कुल का शहर है। भारत की एक पहचान ताजमहल से भी होती है पूरे विश्व में कि ताजमहल मोहब्बत का शहर है। मगर हमारे भारत में ही और हमारे उत्तर प्रदेश हमारी राज्य सरकार ने ही हमारे ताजमहल की आइडेंटिटी और उसके बजट को खत्म कर दिया, पर्यटन बुक लिस्ट में से उसका नाम हटा दिया। यानी जो पूरे विश्व में एक नंबर पे जाना जा रहा है वो अपने ही राज्य में अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है कि मेरी आइडेंटिटी है क्या, मैं हूं क्या। मुख्यमंत्री कहीं भी अपने अल्फाजों से बोलने के लिए तैयार ही नहीं है कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, विश्व का एक नंबर का अजूबा है। हम किसी भी विधायक और सांसद को इसलिए चुनते हैं और सरकार इसलिए चुनते हैं कि वह हमारी हिफाजत करे, क्योंकि जो सूबे का मुख्यमंत्री होता है एक परिवार का एक बहुत बड़ा मेंबर होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है सभी को साथ लेके चले, निष्पक्ष चले और सेकुलर चले। मगर जिस तरीके से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का जो रवैया है उसने हमारी आइडेंटिटी हमारी पहचान हमारे अस्तित्व को खत्म कर दिया है। मैंने कहा ना मेरी जो आइडेंटिटी है मेरा ताजमहल है, मेरी आइडेंटिटी फतेहपुर सीकरी है, यही आइडेंटिटी आगरा वालों की है। मैं आपको एक छोटे सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सपा मुखिया मुलायम सिंह जब राजनीति में आए उस वक्त सपे को कोई नहीं जानता था, मुख्यमंत्री बने उन्होंने सपे को एक ब्रांड बनाया, सपे को सब लोग जानते हैं। हमारे ताजमहल को तो पूरा विश्व जानता है जबकि एक नंबर का अजूबा है। और हमारे ताजमहल को हमारे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पर्यटन बुक लिस्ट में से हटा दिया, यानी हमारे वजूद हमारे अस्तित्व और हमारी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं कि यहां पे हम लोगों को एक होना चाहिए और अपने वजूद और अपने अस्तित्व और अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़नी चाहिए। 26 तारीख को योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आ रहे हैं, अगर उन्होंने 26 तारीख से पहले अगर पर्यटन बुक लिस्ट में आगरे का नाम लेने की घोषणा कर दी और उन्होंने अपने अल्फाजों में इस बात को मान लिया कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हम इस आंदोलन को नहीं करेंगे। अगर उन्होंने नहीं माना और पर्यटन बुक लिस्ट में इसका नाम नहीं दिया और विश्व की धरोहर को एक नंबर के अजूबे के हिसाब से सम्मान नहीं दिया, मैं आगरे की जनता से सभी राजनीतिक पार्टियों से उनके जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष आगरे के सभी समाज से भी आगरा की जनता से अपील करता हूं कि अपने वजूद अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए 27 अक्टूबर को हम इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। इस आंदोलन में आप शरीक हुई और इस आंदोलन को कामयाब करिए और मैं योगी आदित्यनाथ को 10 दिन का वक्त देता हूं कि 10 दिन के अंदर हमारी आइडेंटिटी हमारे अस्तित्व हमारे पहचान को हमें दे दिया जाए, पर्यटन बुक लिस्ट में ताजमहल का नाम चढ़ा दिया जाए। ये सरकार आए या कोई भी सरकार आए वह हमारे वजूद और हमारी आइडेंटिटी से छेड़छाड़ ना करे, हम किसी भी हाल में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 27 तारीख को ताजमहल का आंदोलन चालू होगा और 10 दिन का वक्त हम योगी आदित्यनाथ जी को देते हैं। जय हिंद जय भारत। कैमरामैन साबिर अली के साथ सोनू खान की रिपोर्ट आगरा।